तो भैया अभी हम शेरिफों के लोंडे से मिले थे। मतलब उसके एक पूरे खानदान जैसे कटप्पा ही था अपना बाहुबली में। उसने मतलब कसम खाई थी कि वो बाहुबली है के लिए जो राजा है उनके लिए काम करता रहेगा उसका पूरा खानदान। ऐसे ही वो है शेरिफों के लिए, मतलब उसका पूरा खानदान जो है वो शेरिफ ही बना है। तो भाई उससे हमारी बात हुई थी और वो मतलब जो उसकी सेटिंग है हमें उसे एक लव लेटर दे के आना अभी। तो भैया हम वहाँ पहुँच के जहाँ हमें लेटर डिलीवर करना है और हमें यहाँ चुपचाप जाना है। जो यहाँ गार्ड्स वार्ड्स उन्हें नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ आए उसका लेटर डिलीवर करने, एकदम दुबक दुबक के जाना। तो भैया यहाँ भी अपने मेट की तरह या दवाएं कोरा हो रहा तो तुम्हारा भाई इतनी आसानी से किसी को चमकने तो नहीं वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घूम घाम के चले खेतों में कुछ ऐसे निकल रहा। तो भैया फाइनली जैसे तैसे करके बचते बचाते पहुँच गए उसके पास में। गंगा स्नान भी हो गया अपना जाड्डे में। पैसे मिलेंगे बस इसलिए कर रहे हो काम? जब उन्हें पैसे की बात कही ना, जब भी वहाँ कही हमारे पहनते भैया ने, न तो ऐसे ना करता। तो भैया इस चची ने हमें एक लेटर दिया है उसे देने के लिए। हो एक सेकंड यार, यहाँ पे खतरा काफ़ी है। हाँ तो इस चची ने हमें एक लेटर दिया उसे देने के लिए हो कि अगर वो हमें वापस से मिले तो हम उसे दे दें। और मतलब इनका क्या है, जैसे गाँव में नहीं होता अपना वो मतलब कास्ट से रिलेटेड शादी का जो हुआ है कि मतलब इंटर कास्ट शादी नहीं हो सकती, वो सारे केस उस टाइप का है इनकी भी कुछ बात। कि अगर मतलब इसके घर वालों को पता लग गया ना कि ये उससे प्यार करा है तो भाई वो इसे कहीं काले पानी वाले पानी भेज देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसी कुछ बात है। तो भाई हम बेस पे आए थे और जो भाभी जी हैं डच भैया की, वो कह वो डच के बारे में पूछ रही हैं कि मतलब क्या बात है, उसका पता लगाना पड़ेगा हमें। काफ़ी परेशान है डच भैया के बारे में। अरे यार ये चचा फिर आ गया, ये फिर क्या होगा ना आंटियों को वहाँ छोड़ के आओ उसमें पास वाले रोड टाउन, पिछली बार वैलेंटाइन टाउन ले गया था आपके पास रोड टाउन लेके जाएगा, फिर वहाँ दो चार कदम होंगे आप एक के बाद एक। बोरिंग मिशन है यार, पिछला वाला तो था ही कतई बोरिंग। जाओ क्या पोस्ट ऑफिस वाले हैं हम, कितने दिन लग रहे हैं। तो भैया अब की बात है चचा बढ़िया मिशन लाया है, हर बार तो मतलब ऐसे ही लावा है बेकार से, मतलब पिछली बार ऐसे बेकार से मिशन लाया था, क्या होता है बढ़िया मिशन लाया। तो भाई कोई सप्लाई वैगन है वो उसे लूटने का कही है चचा ने। मतलब वो ऐसा है कि मतलब उसके पीछे कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह नहीं है तो उसे हम आराम से लूट सकें। तो ऐसी कोई सप्लाई वैगन है उसमें से कैश वैस मिल जाएगा हमें और मतलब मज़े से आ जाएंगे, उसमें थोड़े बहुत पैसा वैसा हो जाएगा अपने पास में। तो चलो यार करें सर ऐसे मिशन तो बढ़िया रहे। तो चलो यार फटाफट अपने मुँह ढक लें जिससे कि अपनी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यार शेरिफ है हम यहाँ के डिप्टी शेरिफ। तो यार हमें मतलब जो भी काम करने हैं ना ऐसे लूटपाट के वो अपना मुँह छुपाए करने, किसी को पता ना लगे कि हम थे यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग के आदमी हैं। एक सेकंड यार, एक पीछे से लोग आ गए बहुत सारे, भगना पड़ेगा हमें। बाउंटी हंटर है जहाँ तक है, मैं थोड़ा सा अलग सस्ते से होके जाऊँ। आ भाई तो भाई थोड़ा सा जंगल में कुछ तो भग गया है हम, जिससे कि थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाए वो, लेकिन अभी भी हमें पीछे पड़ रहे। तो भाई यहाँ पहुँच के आपने थोड़ी देर आराम आराम करा और अब रात सी होगी तो अभी यहाँ से निकल के देखा है, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ उन्होंने 4 माह पहला दे रखा होगा, लेकिन अब तक वो मतलब रात सी हो तो निकलना आसान रहा। लेकिन एक सेकेंड निकलने की सोच चाहिए थे जब वो आ गए, बहुत बढ़िया। अभी हाथ भैया ने कही कि अब थोड़ा सा मतलब दुबक दुबका जाओ यहाँ फिर देखें क्या सीन है। यहाँ इसमें से झरोक्का सागर, इसमें से झांक के देखा है क्या कहाँ है, यहाँ तो ना आ रहे, यहाँ है तो भाई असैसिनेशन करना पड़ेगा एक आधे का, ऐसा काम नहीं चला। केस हो गया यार, एक छोटी सी वैगन लूटने पे, वैसे पैसे तो उसमें काफ़ी था लेकिन यार फिर भी ज़्यादा पीछे पड़ गए की बात हो। तो भैया ये तो यहीं आने लग रहे हैं, एक सेकंड एक आ रहा है यहाँ, यही आने लग रहा है ये दोनों तो। अच्छा एक तो साइड में चला गया, एक आ रहा, इसे पेल दूंगा मैं यार। क्यों निकल रहे मेरे, एक सेकंड
योरा चक्कू, अब तू बेटा गया, हट तेरी माँ का, हट साले हट साले हट साले, पेल दिया भाई साहब। लेकिन भाई फायरिंग शुरू होगी चारों भाई, एक सेकंड कवर ले मैं फटाफट, फायरिंग आ कहाँ से रही है, उधर से हो रही है अभी तो, एक सेकंड, चल ले हेडशॉट भाई साहब, तकड़ी वाली बाजी, थम जाओ तुम्हारी माँ का। अबे आयो बच्चा कैसा है, चलो सेकंड यहाँ मुझे दुबकना पड़ेगा अब। यो लगा भाई साहब खतरनाक वाला हेडशॉट, आंख में से काट दी साले गोली, एक सेकंड, अब कहाँ को जाना यार, शॉटगन फायर कर रहा है कोई, चमक जा बेटा एक बार, एक तो ही हो सेकंड यार, पहले से देखा है। यो लगा हेडशॉट, यहाँ यार कोई बिल्कुल पास में शॉटगन फायर कर रहा है खतरनाक वाली। अरे यार नहीं 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 आ जा मुन्ना, जी हो गया, दो गोली बची हैं, रिलोड कर लूँ। चलो एक सेकंड यार, है कौन यहाँ पे, चमक नहीं रहा मुझे कोई भी, लेकिन है कोई बहुत पास में, शॉटगन पहले जा रहा, एक सेकंड, यहाँ है कोई उधर से आई, ओ भाई स्नाइपर बनागा, पेल दिया दो गोली में, एक सेकंड यार दूसरी साइड पे ज़्यादा ही कुछ खतरनाक वाला सीन हो गया। यो लगा भाई इसके बढ़िया वाला शॉट, एक सेकंड, ओ भाई भागो भागो भागो, हेल्थ नहीं बची मेरे में, हाँ मैं दो नाली ले लूँ, चल साले। ओ भाई आज ये दूर है थोड़ा सा, तो इसमें स्नाइपर ही काम आवेगी, एक सेकंड यार हेल्थ बहुत कम है मेरे पे, ये हो गया हेड शॉट। अरे यार यो लग गया भाई साहब हेड शॉट, अबे आग लग गई यार यहाँ तो, चारों भाई से बोतल फेंककर लग रहे हो, एक सेकंड, सामने है ना ज्यादा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, यो लगा एक के शॉट, इसके भाई साहब शॉट लग गया, लेकिन मेरी हेल्थ भी बहुत कम है, भगना पड़ेगा मुझे ऐसा, एक सेकंड यार। ओ भाई ढहना शुरू हो गया, यो निकलना पड़ेगा यार यहाँ से, तो आग लग जाएगी तो पूरे में, एक सेकंड ये तोड़ तो रहे हैं सर, चल 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 चल, निकल जा निकल जा निकल जा, तो भाई यहाँ से पीछे से थोड़ा सा फोड़ के हम निकल तो गए यार, या तो ज़्यादा ही खतरनाक वाला सीन हो गया, अभी भी हमारे पीछे गोली चलने लग रही है, लेकिन लगी तो नहीं है कभी। तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं दो दो साइड पे, जिससे कि उन्हें पता ना लगे हमारे बारे में, तो हम तो जाए चचाई गैल, वो दोनों लगेंगे। तो भाई अभी दो लोग आने लग रहे हैं, ये देखो इनका तो असैसिनेशन पे लूंगा, आन दो आन दो आन दो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक को बता दे साले तेरी, हट हट हट, पेल लिया, हो गया भैया काम, एक सेकंड यार उंगली की साइड उनकी बज गई, हाँ
हमने तो भाई ने बेल दिया, उनकी बज गई उनके की साइड में तकड़ी वाली। चलो भैया ये दो बेल दिए, लूटपाट मचा ले पहले थोड़ी। 62 सेंट मिल गए, कट्टा अपना बाहर होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, 1 सेकंड, ये हो गया, अब की बार गया, ये हो गया, साले तो बेल दिया भाई साहब। तो भाई हमारे पैंथर भैया ने कह दिया सबसे निकलने को, ऐसा शांतिपूर्वक। तो भाई आज वीडियो में बस इतना, मजा से लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।